नमस्कार नंदीघोष बिजनेस आउ एक नुआ एवं फ्रेश एपिसोड को आपण स्वागत करुच्छी मु अविनाश महापात्र। दर्शक बंधु आज एपिसोड रे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर रही कि सहित देखा सबुठ बड़ खबर जे भारत रे टंकार मूल्य धीरे धीरे खसबार लगी अर्थात चलित सप्ताह 80 टंका पर्यंत जाइतिला। जदि आप देखिए भारतीय मुद्रार मूल्य गोटे डॉलर तुलना रे अमेरिकी डॉलर तुलना रे जितेबाला टंकार मूल्य खसुची तार प्रभाव को सेक्टर उपर पड़ तत्क्षणात एवं लॉन्ग टर्म रे कहा उपरे प्रभाव पड़े टंकार मूल्य ह्रास पाता बेले वर्तमान समय रे शेयर बाजार को इतना प्रभावित कहीं करूना ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खबर। एवं तापर गत 10-12 दिन धरी आप देखिए शेयर मार्केट रे वृद्धि परिलक्षित होता अर्थात जो भाई भाव में या पूर्व शेयर बाजार में अस्थिरता रही है भारतीय जो कैपिटल मार्केट रे से मार्केट धीरे धीरे स्टेबल हो स्थितावस्था आड़ को जाऊँ जहाँ आम युद्ध पूर्व जदि रूस यूक्रेन युद्ध पूर्व देखुले से भाई भाव में जाऊँ तेणु जो मैंने इन्वेस्टर अच्छा विशेष भाव में जो मैंने एवं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करमानी अक्टोबर नवेम्बर बेलू भल रिटर्न आसब कि तेणु 18-20% जो संशोधन आम आशा करुले संभवतः होगला 56,000 पाखापाखी ता क्लोज हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक ये सब भितर आप देखुए ट्विटर और एलन मस्क ने जो बिवाद सामना को आसाला लग रही है ये बिवाद तो कोर्ट को जाइए ट्विटर रो क्वार्टरली रिजल्ट मध्ये सामना को आसुची जून 30 सुधा जो रिजल्ट सामना को आसीबा कथा ता जुलाई 22 तारीख रे आसुची एवं ये रिजल्ट रे ट्विटर को बहुत अधिक परिमाण रो राजस्व ह्रास करबा को पड़ी काहेकि तार विस्तृत भाव में तथ्य देखा वर्तमान काहेकि यूजर कमुचंती काहेकि एडवर्टाइजमेंट कमुची से कथा मध्ये देखा एवं ओडिशा रे आउ गोटे बड़ दिग रहा जे केते कोटी टंका इन्वेस्टमेंट आगामी समय रे सागरमाला प्रोजेक्ट रे हबो से संपर्कित खबर देखा एवं कृषक माने सीधा सड़ख कि आगामी समय रे निजे बाजार रे बिक्री करें कौन माध्यम आवश्यकता पड़े ना से संपर्कित रिपोर्ट देखा ता सहित बजार हालचाल देखा तेज चलत आरंभ करवा रिलायंस जिओ रार रिजल्ट प्रकाश पाई कि भाव में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंपनी कर संपर्कित खबर देखा चलत आरंभ करवा आज बिजनेस एपिसोड। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और विश्वर एक नंबर धनी एलन मस्क मध्ये चलता अधिग्रहण बदर प्रभाव कंपानी कारबार उपर पड़ी ट्विटर त्रैमासिक फलाफल ए प्रभावित होती एप्रिल जून पीरियड मध्य ट्विटर राजस्व 1% ह्रास पाई 1.18 बिलियन डलारे पहुंची ए समय मध्य ट्विटर 270 मिलियन डलार क्षति सही 44 बिलियन डलारे आमेरिकार शिल्पपति एलन मस्क ट्विटर को अधिग्रहण करने को एप्रिल 4 प्रस्ताव देते यापर ट्विटर बोर्ड ए राजी होते परे मस्क ट्विटर रे केते फेक यूजर अच्छा तार हिसाब ट्विटर बोर्ड को मागिथिले या कुनी उभय पक्षों मध्ये टणाउटर लगीला एलन मस्क ट्विटर को आउ अधिग्रहण करिवे नाही बोली पुनी थरे जुलाई रे कहिथिले इतिमध्ये दुई पक्षों मध्ये बारंबार कथा कटाकटीर प्रभाव यूजर उपरे पड़ीला ट्विटर विज्ञापन व्यवसाय केवल प्रभावित होइनथिला बरं कंपनीर प्रमुख शेयर होल्डर माने कंपनी छाड़ीथिले बहु पुरुणा कर्मचारी जो मैंने ट्विटर सहित आरंभ जड़ित थे से कंपनी छाड़ापी बाध्य होते सीधा सड़क भाव में आम एलन मस्क सहित कम करना कारण एलन मस्क आमेरिकार जड़े अप्रत्याशित शिल्पपति भाव में बेचना कराए कहीं कहीं ट्रंप सहित तुलना करती तेणु बहु पुरा कर्मचारी कंपनी छाड़ी जहाँ को नहीं सीईओ पराग अग्रवाल चिंता प्रकट करने सहित डिल क्यासल मस्क घोषणा करने से कोर्ट द्वारस्थ होते तेज शुक्रवार कारबार शेष में ट्विटर शेयर मूल्य में 2% ह्रास देखा मिलता लगातार भाव में ट्विटर शेयर खसी चली मस्क को दायी करुछंती कंपनी बहु कर्मचारी दीर्घ दिन धरी भारतीय शेयर बाजार में संशोधन परे एवं स्थिति रे सामान्य सुधार आसी किंतु टंका लगातार भाव में खसी चली अनेक वैश्विक कारणपाई फेब्रुआरी शेयर बाजार में क्रमगत ह्रास देखा मिलता सब क्षेत्र में 18-20% पर्यंत कंपनी गुड़िक शेयर रे फॉल होता मात्र गत सप्ताह स्थित किसी सुधार आसी चलित सप्ताह में विदेशी निवेशक माने भारतीय कैपिटल मार्केट में भल अर्थ निवेश कर चलित सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक सेंसेक्स 1922 पॉइंट वृद्धि पाई 56,000 उपर क्लोज होता बेले निफ्टी में 546 पॉइंट वृद्धि पाई 16,019 क्लोज हो कारबार शेष दिन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक 390 पॉइंट वृद्धि पाई बेले निफ्टी 114 पॉइंट वृद्धि पाई
अमेरिका समेत अन्यान्य देशर मार्केट ग्रीन थिबारु एहार प्रभाव मध्य भारतर शेयर बाजार उपरे पड़िछि। रिलायंस, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, यूपीएल, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक प्रभृति कंपनी गुड़िकर शेयर रे 2-5% पर्यंत वृद्धि शेष दिन में देखा मिलता। सेपरी इन्फोसिस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जेएसडब्ल्यू स्टील प्रभृति कंपनी गुड़िकर शेयर रे 2% पर्यंत ह्रास देखा मिलता। और कारबार शेष दिन में मेटाल सेक्टर अधिक मात्रा में प्रभावित होता। 2022-23 आर्थिक वर्ष पर बहु कंपनी गुड़िकर फास्ट क्वार्टर रिजल्ट प्रकाश पाइबा को थिबारु से सबु कंपनी गुड़िक शेष दिन में फोकस रे रही थे। बैंकिंग सेक्टर मध्य जथेष्ट वृद्धि देखा मिलता शेष दिन में। First of all, when we during the beginning of the calendar year January or just later last year in 2021, we saw Sensex scaling a new historic high of 62,000. Of course, the valuations were very high. So you know, market in the long term always correct. So what we saw was price correction in the market, and market corrected by 18-20%. After February or somewhere in March, we saw a geopolitical crisis developing in Europe, and the war between Ukraine and Russia sent the global macros against our country, in the sense that high commodity prices, high metal prices, high agri commodity prices, and high energy prices, these things, they don't go well with our economy. But if you see, as you rightly said, last 8-10 days, what we are seeing is that the agri commodity prices have corrected in favor of our country. The metal prices have corrected from the highs. Also, energy prices, which was $120 plus, went down below 100. Of course, yesterday we saw crude scaling back 100, but I don't think there is a crisis here. So global macros are turning in favor of our country, and that is the reason that we saw the investors coming back to the market. They are buying at these levels because valuations, far as large caps are concerned, they are attractive. Mid cap is slightly expensive, but small cap again becoming attractive. So in all, investors are coming back to the market, and they feel at these levels one should add their position. मार्केट विशेषज्ञों प्रतिक्रिया आपने शुणुते कि सबुठ बड़ कथा जितेबले डलार तुलन में भारतीय मुद्रा दुर्बल होबार लगी। वर्तमान अमेरिकीय गोटे डलार मूल्य भारतीय मुद्रा रे बा भारतीय टंकारे 80 टंका छुई जार बड़ प्रभाव पड़े जो माने विदेश में पाठ पढ़ु अर्थात आगामी समय जो माने विदेश में पाठ पढ़ु से मूल्य बा एडमिशन फी अधिक मात्रा बढ़ सीधा सड़क बा डायरेक्ट इंपैक्ट जहाँ कहुच्छ। द्वितीय कथा ला जो माने फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा से माने इंडियन इक्विटी मार्केट रु सेमानकर टंका बाहर करिवे जहार प्रभाव स्वरूप भारतर केवल इक्विटी मार्केट प्रभावित होबनी म्यूचुअल फंड मध्य प्रभावित होबो जदि अधिकरु अधिक टंका से माने बाहर करंती। एवं आउ गोटे बड़ कथा ला भारत जहाँ वर्तमान समय आमदानी करुछि जेतेबेले डॉलर रो मूल्य बढ़ुची भारतर जदि वर्तमान समय आमदानी करुथिबा द्रव्य उपर मध्य जथेष्ट प्रभाव पड़िबो एवं तार कारण स्वरूप वर्तमान देखा जाउची जेहेतु रूस एवं यूक्रेन मध्ये युद्ध लागि रहिला एवं केवल भारत टंका नुहे विभिन्न देशर जो राष्ट्रीय मुद्रा रही तार प्रभाव मध्य दिनकु दिन देखा मिलूँ कम परिमाण में कारण डॉलर रो चाहिदा अधिक बढ़ी एवं डॉलर रे ट्रांजाक्शन अधिक मात्रा रे हेउची यार फलस्वरूप भारतीय बजार प्रभावित हो एवं भारतीय अर्थनीति मध्य जथेष्ट भाव में प्रभावित होवार संभावना देखुछन्ति अर्थनीति विशेषज्ञ। पुणि फेरब उत्कलीय नौवाणिज्य परंपरा केन्द्रापड़ा जिला आखड़ा साही रे महानदी रे बंदर पर राज्य सरकार निष्पत्ति नेबापरे केन्द्र सरकार सागरमाला योजन राज्यर अनेक प्रकल्प हाथ को नि बंदर आधुनिकीकरण संयोगीकरण समुद्र कूड़िया उन्नति सहित जलपथ में व्यवसाय पर बाट फिटुची। सागरमाला योजन राज्यर 53 प्रकल्प चिह्नट होता बेले पर्यायक्रमे 54,000 कोटी टंका खर्च हो। राज्यसभा बीजेडी सांसद सुजीत कुमार को प्रश्नर उत्तर में केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनवाल संसद में ए तथ्य रखिछन्। बढ़िबो बंदर बढ़िबो वाणिज्य समुद्र और नदी साजिबे विकासर मुआण पर्यटन व्यवसाय पाई हसिबो विस्तीर्ण बेलाभूमि बढ़िबो पारादीप बंदर कलेबर माछ धरा जेटीर हेबो नवीकरण
केन्द्रापड़ार कणीनाली और तालचुआर हेब रोपाक्स जेटी, पुरी जिला कृष्ण प्रसाद और खोर्धार बालुगारी भी हेब रोपाक्स जेटी। सगरमाला योजन ओडिशा रे 53 प्रकल्प चिन्हट होईछि। एही सब प्रकल्प रे पर्याय क्रमे 54,000 कोटी टंका खर्च हेब। बंदर भित्तिक शिल्प पाई भी बाट फिटिब। राज्य रे सगरमाला योजनार स्थिति बाबद रे राज्यसभा सांसद सुजित कुमार पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर रे एभली तथ्य रखिछन्ति केन्द्रमंत्री सर्बानंद सोनवाल। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, पोर्ट लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब विभिन्न प्रोजेक्ट 54,000 करोड़ सांक्षण हो काम चली। पोटेंशियल साइट्स अच्छी 14 साइट अच्छी, ओडिशा सरकार 14 साइट आइडेंटिफाई करा को केन्द्र सरकार तुरंत सर्वे करी तार इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिखाँ। राज्य में 480 किलोमीटर विस्तीर्ण बेलाभूमि रही। एकमात्र बृहत बंदर पारादीप सहित धामरा और गोपालपुर बंदर भी कार्यक्षम रही। आग को पुरीर अस्तरंग और बालेश्वर कीर्तनिया ठारे बंदर पर योजना रही। सेपरि राज्य सरकार मध्य नदी भित्तिक बंदर पर अंटा भिड़ी। केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ार आखड़ा साहि महानदी में बंदर करने को 300 एकर जगह चिन्हट हो। 2,000 कोटी रु अधिक खर्च होगा योजना होता बेले वर्षकु 45.88 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो कारबार लक्ष्य रही। तेब योजना को विशेषज्ञ स्वागत करथिबा बेले राज्य सरकार को सहमति रे प्रकल्प आगे नेबाकु प्रस्ताव देछंती। आमर वाटरवेज बहुत अच्छी, इनलैंड वाटर अच्छी, पोर्ट अच्छी, तेणु आम जदि एटा को डेवलपमेंट कर तले फैक्ट्री जो मैंने सब बाहर को मिनराल आम पलाऊँ से मिनराल से कंपानी मैंने ये आसी तर कंपानी करेंगे आम भैल्यू एडिशन हम और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री ओडिशे हम नाचुअली सगरमाला प्रकल्प ओडिशा को गोटे ये करवा स्वाभाविक कारण कोस्ट लाइन अच्छी कि सगरमाला प्रकल्प द्वारा यहाँ है बेले से करा सरकार गोटे इंडिपेडेंट इवालुएसन करवा दरकार। बर्तमान समय मुझे जो नदीपथ मरी जा नदी गुड़ा डेड हो जाऊँगा बर्तमान आम यही प्रकल्प को गले आदर आम के लाभ हम के क्षति हम देखा कथा। बंदर भित्तिक शिल्पांचल पाई पारादीप बंदर कर्तृपक्ष द्वारा 700 एकर जमी अधिग्रहण होती विभिन्न शिल्पानुष्ठान क्रूड ऑयल स्टोरेज टर्मिनाल और मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब तैयारी चली। भुवनेश्वर कैमरामैन बरबीर जजाति केशरी महंति नंदीघोष टीवी। देशर अन्यतम सर्वबृहत कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 2022-23 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक व्यावसायिक रिजल्ट प्रकाश पाई। तैल और टेलिकम व्यवसाय कंपानी उत्साहजनक थिबारु एथिरे भल आय होईछि। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक रे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बा आरआईएल रो नेट प्रॉफिट 40.8% को वृद्धि पाई। एप्रिल जून त्रैमासिक रे रिलायंस इंडस्ट्रीज रो नेट लाभ जदि आम पूर्व आर्थिक वर्षर एही त्रैमासिक को देखिबा से तुलना रे ता वृद्धि पाई 19,443 कोटी टंगारे पहुंची। से हीपरि 2022-23 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक रिलायंस रिटेल रो नेट प्रॉफिट 114.2% वृद्धि पाई 2,061 कोटी टंगा होई। गत तीन मास रे रिलायंस रिटेल रो मोट राजस्व 51.9% को वृद्धि पाई 58,554 कोटी टंगा होई। ए त्रैमासिक रे रिलायंस रिटेल 720 स्टोर खोली फलरे मोट स्टोर संख्या सारा देश में जब आप देखिए तेज 15,916 पहुंची। रिलायंस रो O2C जो श्रेष्ठ त्रैमासिक प्रदर्शन करी सर्वकालीन सर्वोच्च राजस्व एवं EBITDA हासिल करी। उच्च असहित तैल और उत्पाद मूल्य जो त्रैमासिक रु त्रैमासिक भितर क्षेत्र राजस्व 56.7% वृद्धि पाई 161,715 कोटी टंका होई। आज जिओ रिजल्ट प्रकाश पाई। रिलायंस जिओ चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक भारत सर्वबृहत टेलिकम ऑपरेटर रिलायंस जिओ इन्फ्रोकम तार नेट प्रॉफिट पखापाखि 24% वृद्धि पाई 4,335 कोटी टंका रो नेट प्रॉफिट लाभ करछि कंपनी। 2022 एप्रिल जून जदि त्रैमासिक एवं वर्तमान त्रैमासिक को कंपैरिजन को नियाजिब तेबे सेथिरे मध्य जथेष्ट वृद्धि परिलक्षित होईछि। पूर्व वर्ष तुलना रे चलित आर्थिक वर्ष रे ए वृद्धि पखापाखि 23.8% होईछि। 3,501 कोटी टंका थिला गत वर्ष 2022 जून 30 सुधा शेष होइतिबा प्रथम त्रैमासिक रे परिचालनारु रिलायंस जिओ राजस्व
21,873 कोटी टंका होईछि जहाँ पूर्व आर्थिक वर्षर एहि त्रैमासिक राजस्व तुलना रे 21.5% अधिक चलित त्रैमासिक रे जिओर ग्राहक पिछा हारहारी राजस्व होउछि 175 टंका 7 पैसा एटा सबुठ गुरुत्वपूर्ण जणे ग्राहकों पिछा जिओ आदाय करिछि एथर 175 टंका 7 पैसा जोति पई तार राजस्व मध्ये वृद्धि होईछि मोट डाटा ट्राफिक जब देखिए ये त्रैमासिक 27.2% को वृद्धि पाई 25.9 बिलियन जीबी हो 2022 जून 30 सुधा जिओर मोट ग्राहक संख्या सारा देश में 41,99,00,000 अच्छा जहाँ शुक्रवार घोषणा कर प्रथम त्रैमासिक आर्थिक फलाफल दर्शाई 2022-23 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक हाराहारी डाटा और वॉइस व्यवहार प्रति मासकु ग्राहकों पिछा यथाक्रमे 20.8 GB जड़े व्यक्ति पिछा एवं 1,001 मिनिट जड़े व्यक्ति मसक 1,001 मिनिट कथ हो 20 GB डाटा यूज कर ओडिशा सरकार आणवाई जाती स्वतंत्र कृषि रप्तानी नीति यहाद्वारा बड़ बड़ बजार चाषी मैंने आणिकी निजर उत्पादित सामग्री निजे बिक्री करार सुजोग पाए फल बड़ बड़ कंपानी नुहे राज्यर चाषी ही लाभवान है यार चिठा नीति केन्द्र सरकार को कृषि और खाद्य प्रक्रियाकरण रप्तानी विकास कर्तृपक्ष आपेडा निकट में दाखल ओडिशार रप्तानी नीति रही कि चाषी आय वृद्धि स्वतंत्र कृषि रप्तानी नीति आणवाई जा राज्य सरकार आउ चलिबनि बड़ कंपनी को राज एणिक बाहर मार्केट रे चासिंग को डायरेक्ट एंट्री बढ़िबो रोजगार पाइबे श्रेय राज्य सरकार आणिबे स्वतंत्र कृषि रप्तानी नीति खनिज सामग्री एवं चिंगुड़ी परी राज्यर अल्प केतक सामग्री ही बाहर बजार डायरेक्ट रप्तानी हो पारुछि दिने साउदी अरब समेत विभिन्न देश को जाउतिबा बासना चाउल आउ रप्तानी हो पारुनि राज्य में उत्पादित हलदी काजू और महु देश विदेश में भल व्यवसाय करा चाषी यार श्रेय नहीं पारना कारण बड़ बड़ कंपनी चाषी एसबू किणी बाहर बजार व्यवसाय करती पंजीकरण हो राज्य रप्तानी हो कृषि द्रव्य को बाहर बजार सीधासख एंट्री मिले विशाखापाटना और कोलकाता दे सबू रप्तानी तबे स्वतंत्र कृषि रप्तानी नीति आसिले चाषी निजे बड़ व्यवसाय पेंठस्थल बिक्री करी पारिबे जहार सब्सिडी भी पाइबे चाषी आय बढ़ावा राज्य सरकार नेबाकु जाउछंती ए जुगांतकारी पदक्षेप नुआ उद्योग नीति कृषक नीति आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रचलन करिछंती चाषी मैंने बहुत बेनिफिट हे आमदानी रप्तानी करने को सुविधा हम आर बेनिफिट भी हम उत्पादन क्षमता बढ़ नूतन भाव में बिहन दिजाव जो बिहन प्रोडक्शन बेसी हम ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य पखापाखि 73% लोक चाष कर जीविका निर्वाह करती राज्य अर्थनीति को 26% अर्थ कृषि क्षेत्र आसे अनेक समय मध्यस्थी चाषी कम लाभांश पाती चाषी जदि निजे बाहर बजार को जापारे तेज उचित दाम पाई एग्रो प्रोसेसिंग ओडिशा सरकार नुआ पॉलिसी आणुछन्ति 2022 रे सरकार तत्परता एवं शिल्प आंतरिकता देखा दीची लोक माने नुआ निजुक्ति पाइबे एवं जो वैल्यू एडिशन हबो एवं सेथिरे निश्चय समस्त को फायदा हबो बाहर राज्यर टेस्टिंग लैब को भड़ारे नेबा एवं भुवनेश्वर विमानबंदर बृहत कार्गो कंटेनर रखा को स्वतंत्र कृषि रप्तानी नीति रे प्रस्ताव रही भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अंतर्जामी प्रियप्रीत महांती रिपोर्ट नंदीघोष टीवी राज्य सरकार कृषि रप्तानी नीति लागू हवा परे आपण अनुभव करंतु सबुठ बड़ कार्गो कंटेनर वर्तमान समय देखुले पारादीप सहित धामरा बंदर एवं ओडिशार चाषी मैंने सीधासलख बजार सहित जोड़ी हो पारे और यूँ से सामग्री को सीधासलख से विक्रय करेंगे जो मिडिलमैन व्यवस्था था अनेकांश दूरीभूत कर परवर्त खबर को बहु दिन जार अपेक्षा था अर्थात आकाश एयार उड़ाण भर राकेश झुंझुनवाला आकाश एयार उड़ाण अगस्त 7 तारीख रु आरंभ हो टिकेट बिक्री शुक्रवार आरंभ हो मुंबई और अहमदाबाद मध्य प्रथम फ्लाइट उड़ाण भर वर्तमान मुंबई रु अहमदाबाद मध्य उड़ाण 3,948 टंका रखा मूल्य दैनिक 15 फ्लाइट रो उड़ाण रखा तेरे अन्य 13 फ्लाइट
जो टिकेट दर रही 4,262 टंका रखा जाएगी। देशर 4 प्रमुख सहर को उड़ाण भर आकाश एयार। अगस्ट 13 तारीख में यह कोची को उड़ीबो एवं अगस्ट 7 तारीख में यह अहमदाबाद को उड़ाण आरंभ करिबो। विशेष भाव में आकाश एयार लॉन्ग टर्म रे भारत में व्यवसाय करने लक्ष्य रखी। टायर 2 एवं टायर 3 सिटी को यह संयोग करने को लक्ष्य रखी। वर्तमान समय देश में इंडिगो सहित आउ किछि विदेशी एयरलाइंस विस्तारा एवं टाटार एयर इंडिया भली आकाश एयार 2022-23 आर्थिक वर्ष सुधा पाखापाखि 14 सहर को जोगाजोग करने जोड़ापी लक्ष्य रखि सूचना मिली। रोजगार रो राह देखाई पाड़ छतु चाष कर आत्मनिर्भर होती गाँव महिला। सुवर्णपुर जिला कीर्तिपुर रे एसएचजी गठन करी महिला माने छतु चाष कर 5-6 हजार टंका लेखाएं रोजगार कर परिवार रो आर्थिक अनटन को मध्य दूर करुछन्ति। आसुन देखिबा महिलांकर से स्वावलंबीर एवं से सफलता। किए नड़ा काटुछि त किए मंजी प्रस्तुत करुछि पुणि किए छतु चाष पई भाड़ी तयारी करुछि रोजगार करी आत्मसम्मानर सहित बंचिबा पई संघर्ष करुछन्ति महिला। सुवर्णपुर जिला सदर ब्लॉक कीर्तिपुर रे 10 अधिक महिला एसएचजी गठन करी पाड़ छतु चाष करुछन्ती। एथिपई महिलांकु सहयोग करुछि अग्रणी स्वच्छसेवी संगठन एक्शन एड प्रशिक्षण देबा सहित ऋण मध्य जोगाई देछि। आमे महिमा छति उत्पादक गोष्ठी करिछु कीर्तिपुर गोष्ठी रे 10 जन मा अछु आउ छतु चाष करुछु। आगुरु घरे बसी रहुथुलो मा माने एबे छतु उत्पादन करी रोजगार करुछु सेथिरु पैसा नै कि आमे छुआ मानक भविष्य चिंता करुछु। छतु चाष करुछु आरु एक्शन एड आरु रेयर आज्ञा आमकु सहयोग करिछन आमे समस्ते आसिकरी करुछु आर समस्ते मा माने हेकरी बिक्री करुछु मासकु 5-6 हजार आमे गोटे गोटे मा पाउछु। 2,62,000 टंका ऋण आनी महिमा छतु फार्म रे 250 अधिक नडा बेड पकाइछंती महिला माने। निजे मंजी प्रस्तुत करी दिनको 10-15 केजी छतु उत्पादन करुछंती आउ एहाकु बजारे बिक्री करी मासकु 5-6 हजार टंका लेखाए रोजगार करुछंती। हमे छतु चाष करिछु 100 पैसा दै चनंग करिछु आरो डियार वाले सहयोग दउजन आर आमे आगो घरे थिलु अछि निकाल करि करि 5-6 हजार लखन पाउछु सब भल से चलु जों छुआ पुता भल से एडा करि रे चलु जों सब 10 जन एकाकी महिला को रेयर रो सहयोग रे एकत्रित करि करि प्राय 2,62,000 टंका रो सहायता रे 250 सज्जा विशिष्ट गोटे छतु चाष एवं तालीम केन्द्र एठी करा जाइछि। से माने दैनिक पाखा पाखी 10-15 किलो छतु उत्पादन करुछंती एवं 3-4 हजार टंका रो गोटे व्यवसाय करी पारुछंती एवं सेमाने स्वावलम्बनशील हेई पारिबे निजर गोटे मर्यादापूर्ण जीवन बंचिबारे ए प्रोजेक्ट तांको सहायता करिवो। छतु चाष महिलांकु रोजगार देउछि गाँवरे महिला माने चाष करी आत्मनिर्भर हेबा सहित परिवारर आर्थिक अनटन दूर करि पारुछंती। सुवर्णपुरु मनोज कुमार मिश्रंक रिपोर्ट नंदीघोष टीवी। 2020-21 ऑटो मोबाइल सेक्टर अधिक मात्रा प्रभावित होता है। भाव में आप देखिले आपणकर आवश्यकता मुताबक सेमिकंडक्टर न मिलवा कारण अनेक गुड़े ऑटोमोबाइल कंपनी ग्राहकों से आवश्यक मुताबक गाड़ी जोगाई पारे ना कि बर्तमान एभली एक खबर आसे एक दर्शाऊ 2-3 मास ऑटो क्षेत्र में ऑटो सेक्टर रे एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र रे एक बड़धरण वैप्लविक परिवर्तन आसवापी जाए ईवी बा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कथा उल्लेख करछंदी एमाने मध्य जोड़ी होछंदी। संभवतः आगामी समय रे एहा ही नुआ भारत रो एवं नुआ उड़ीसा रो ता सहित परिवेश को प्रदूषित करिबारु मुक्त करिबा पई एक उपाय होई पारे। दर्शक बंधु समय हो जाइछ आजि आमे बिजनेस बुलेटिन को एइट रखबा विदाय दियंतु किंतु अधिक खबर पई आपन लॉगिन करथंतु आमो वेबसाइट www.nandighostv.com।